हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जी एस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में जो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इससे पहले का जो सेशन था, ये इससे पहले की जो भी क्लासेस थी उसको आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसको लगातार रिवाइज कर रहे होंगे। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ। और कल का जो सेशन था वो रियली में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, और मुझे अच्छा लगा इस बात को जानकर कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस लेवल तक टच करना चाहते थे या टच किया और उसको एंजॉय भी किया। आप लोगों को कमेंट के थ्रू ये चीज़ें पता चलती हैं, तो इससे थोड़ा सा क्या में होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, रेलिवेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट जो है मैटर, वो हम आप तक लेकर आ पाएँ। तो आज का सेशन बहुत स्मूथली होने वाला है, तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं एक एक चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ। ध्यान से सुनना जरा। एंगल बाई सेक्टर ठीक है। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में कोण समद्विभाजक। दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। आपका टेस्ट हो चुका है, टेस्ट बोले तो लेवल का टेस्ट मैंने कर लिया है, और आप सभी सही डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। सभी लोग पढ़ना भी चाहते हैं इस चीज़ को। देखिए जरा, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक क्या होता है, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, दिखा दे रहा आपको ये लाइन है। इसको हमने क्या कह दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक ट्राइंगल है, लाइन नहीं है, ट्राइंगल है। और हमने क्या कह दिया कि सर ये वाला एंगल जो है, एंगल बाइसेक्टर हमने इसको खींच लिया, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। बोल दो हाँ, अल्फा। अगर मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये, इसको मैंने बोल दिया कि ओ पॉइंट है, कह दिया। तो ये जो ए ओ लाइन है, ए ओ क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा। एंगल बाइसेक्टर है मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो किसी भी कोण को दो समान भागों में डिवाइड कर दे, बांट दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ए लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इन इक्वली टू पार्ट, दो समान भागों में बांट दे, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर के बारे में लेकर के कुछ अफवाहें हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। आपके दिमाग में बुराइयां हैं, वो और कुछ नहीं है। दिमाग में ये है कि सर ये, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये इसको 90 डिग्री पे काटता है, सर इसको दो बराबर भागों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब सिर्फ क्या होता है कि सर कोण को दो भागों में बांटता है, इसके अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सर और क्या क्या होता है। सिर्फ हम इतना जानते हैं कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कोण को दो बराबर भागों में बांट लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करें, स्पेशल केस के तहत वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है दोनों को, मतलब बी ओ ओ सी बराबर होता है। लेकिन अभी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि सर ये, समझना जरा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, दिखाई दे रहा ना आपको, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। मेरे कहने का मतलब है कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पॉइंट जो है, मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु है, जो इंटरसेप्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है जहाँ पे, ये जो होता है इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतः केंद्र प्राप्त होता है कोणों के समद्विभाजन से, भुजाओं के समद्विभाजन से, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतः केंद्र होता है वो कोणों के अंतः समद्विभाजन से, अंतः समद्विभाजन मतलब अंदर वाले कोण का समद्विभाजन है। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये अगर बीटा है तो ये भी क्या है, बीटा है, ये अगर गामा है तो ये भी क्या है, गामा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम कह सकते हैं, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कोणों के समद्विभाजन से, ठीक है, हर एक चीज़ को मैं समझाते चल रहा हूँ, आप लोग देखते रहो बस। समद्विभाजन से अंतः केंद्र,
बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अंतः केंद्र बोले तो इन सेंटर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसका यूज क्या है, लेकिन एक बार देख लो आप लोग। दो लाइनें हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, एक तो किसको एंगल वाइज सेक्टर बोलते हैं, कोणों का समद्विभाजन से। कोणों का समद्विभाजन क्या ये 90 डिग्री यहाँ पे करेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर बराबर भागों में अभी कोई बांटने की परंपरा नहीं है, सिर्फ एंगल वाइज सेक्ट करती है। अगर तीन शीर्ष हैं तो तीन बाई सेक्टर होंगे, तीनों बाई सेक्टर का जो कटान बिंदु होता है अंदर होता है वो हमेशा क्या होगा, इन सेंटर की तरह काम करेगा। और एक चीज और कि इन सेंटर जो है, इन सेंटर जो है हमेशा त्रिभुज के कहाँ रहता है, ट्राइंगल के अंदर स्थित होता है, जैसा कि नाम से ही स्थित पता है, मतलब पता चल रहा है, अंदर स्थित होता है। कई बार कई कई सेंटर क्या होते हैं कि बाहर घूम आते हैं, ट्राइंगल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या रहेगा, ये अंदर ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं और अब आगे बताता हूँ कि क्या कंडीशन है, ठीक है ना। मिटाते हैं इसको। एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते रहो, मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। लेवल हार्ड हो, मॉडरेट हो, इजी हो, सभी चीज़ों को झेलना है आपको और हमें, ठीक है। मुझे पढ़ाना है और आपके पढ़ना है। आगे देखो ध्यान से। सर हमने एक ट्राइंगल बनाया, बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से सुनो ज़रा। एक ट्राइंगल बना दिया, दिखाई दे रहा है आपको ना, दिखाई दे रहा होगा। सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, बात हुई थी ऐसी, ए बी सी हमने बोल दिया। अब क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि सर एंगल बाई सेक्टर एक बार खींचो जरा। एंगल बाई सेक्टर खींचोगे तो ये एंगल बाई सेक्टर है, दिखाई दे रहा है ना आपको। थोड़ा कलर में दिक्कत अगर है कि मान लो रेड दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये लो, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। सर ये पूरा एंगल ए है तो ये वाला जो होगा ए बाई टू होगा और ये वाला कितना होगा, ए बाई टू होगा। पूछो क्यों, अरे यार एंगल बाई सेक्टर है तो आधा होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो होगा बी बाई टू और ये भी कितना होगा, बी बाई टू होगा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, सी बाई टू होगा और ये कितना हो जाएगा, सी बाई टू होगा। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना आई है ही, आई है ही। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कहा यह जाता है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये बनता है 90 प्लस एंगल ए बाई टू। मतलब ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 90 प्लस ये वाला जो एंगल होता है ऊपर, जो इसके ऊपर स्थित होता है उसका आधा दोनों का योगफल होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हर एक चीज़ को अगर समझ के चलोगे ना तो आपके लिए ज्योमेट्री पढ़ना और मेरे लिए पढ़ना बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। हर एक चीज़ को हम क्लेरिफिकेशन के तहत चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो मैं आपको इसका समझाता हूँ, कंडीशन क्या है। मुझे बताओ कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मानते उस चीज़ को, मानते क्या, जानते ही हो, मैंने ये भी समझाया था कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर सभी में दो का भाग दे दें, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू अगर मैं करूं तो 180 बटा दो हो जाएगा। 180 बटा दो का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे बोल दो, ये हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू का मान जो होगा वो हो जाएगा 90। भाई मुझे सिर्फ b बाई टू प्लस सी बाई टू ये चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल a बाई टू हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी वे में चल रहा है। b बाई टू सी बाई टू को हमने फिक्स कर दिया तो ये 90 में से घट जाएगा a बाई टू। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। जरा यहाँ पे देखो ट्राइंगल BIC में, ट्राइंगल BIC में देखो ध्यान ध्यान। तो आप बोलोगे सर एंगल b बाई टू
प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल आई, इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अरे बोलो, बी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस आई, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं बात? अच्छा, बी बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू की प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। बोल दो हाँ, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आप बोलोगे सर मुझे तो क्या करना है, मुझे I की वैल्यू निकालनी है। तो I का जो मान होगा 180 माइनस 90, बोलो ये प्लस है ना तो माइनस जाएगा, और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा a बाई टू। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 180 में से 90 गया 90 डिग्री, प्लस एंगल a बाई टू। देखो हमने जो बोला था वो यही आ रहा है, एंगल I की जो वैल्यू है वो a बाई टू प्लस 90। यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए 70 डिग्री है तो 90 प्लस 35 हो जाएगा ये। अगर ये 40 डिग्री है, इसी तरीके से ये वाला एंगल कितना होगा जरा सोचना, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 प्लस। ये C है तो C बाई टू। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा सर? 90 प्लस। इसके अपोजिट कौन सा है? B है, तो वो एंगल B बाई टू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ये बात आपको समझनी है। देख लो, समझ लो, आपको काम करना है, आपको सीखना है, पढ़ना है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है। क्यों? इससे क्या होगा? इंटरेस्ट बन जाएगा आपको, और इंटरेस्ट बन जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए बड़ा ईजी होगा समझना, ठीक है ना, चीज़ों को। आगे बढ़ें, मिटा दें इस चीज़ को। ये a बाई टू, b बाई टू, जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक दो बार और देख लिया करो, क्योंकि रिवीजन हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ का रिवीजन नहीं कर सकता तो भले ही मत पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट है समझिए ज़रा। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था और इसको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो अगला कॉन्सेप्ट क्या। हम ये कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, दिखाई दे रहा आपको? अभी मैंने प्रूव करवाया था कि ऐसा कैसे होता है कि 90 प्लस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू है। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ इस बात को समझना, ए है, बी है और ये सी है। हमने बोला कि सर ये वाला अगर इन सेंटर है, समझना इस बात को, ये वाला अगर इन सेंटर है तो ये आई कहलाएगा। और आई क्यों कहलाता है? मैंने आपको अभी लिखवा दिया था कि सर इन सेंटर कहलाता है, इन जो अंतः केंद्र कहलाता है। लेकिन हमने अंतः केंद्र का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि सर इस पॉइंट पे, समझना इस बात को, इस पॉइंट पे प्रकार को रखा जाए। बचपन में टेंथ क्लास में आप लोग ऐसा कुछ करते थे। मैं आपको समझा देता हूँ। कंडीशन ये थी कि सर आपको कहा जाता था, सर मैडम क्या कहते थे कि सर एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके आप लोग क्या करते थे? इन सर्कल बनाते थे। देखो ऐसे बनाते थे, अब ये बन जाए तो बन जाए और नहीं तो भावनाओं को समझ लेना आप लोग, ठीक है ना, समझ जाना कि इसका कहने का मतलब क्या। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, इसको समझ जाना कि ये क्या कंडीशन है, ठीक है ना। ये देखो सर्कल है, फिर भी सर्कल अच्छा नहीं बना लेकिन जैसा भी है ठीक है। तो आप क्या कहते थे कि सर ये वाला जो सर्कल हमने बनाया है इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि सर ये वाली जो लेंथ, समझना जरा, ये वाली जो लेंथ है ये आर ही तो है, बोलो है कि नहीं है? त्रिज्या है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं यहाँ पे आगे और यहाँ इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका जो स्पर्श रेखा टेंजेंट जलता है और ये सेंटर आई है, मतलब अंतः कोई भी केंद्र है, तो यहाँ से जब इसको ले आते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात ध्यान रखनी है। मैं जब सर्किल पढ़ाऊँगा तो आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन अभी बस आपको समझना है कि टेंजेंट और जो सर्किल के बीच का एंगल जो बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। समझना जरा पर एक काम की चीज़ यहाँ से, सर ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, दिखाई दे रहा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया यार, एक सर्कल फिक्स किया है, उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या है, 90 डिग्री क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया है, और आई इन सेंटर है। अब देखो जरा ध्यान से क्या है, हम यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो तीन इक्वल पार्ट में होगा, बीआईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीआईसी प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस सी आई ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए आर का मतलब डरना मत एरिया होता है, और ये त्रिभुज कौन सा हो गया बी आई ए, ए आई बी लिख लो, ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, आप लोगों ने बचपन में रखा होगा कि आर की जो वैल्यू होती है वो डेल अपॉन एस होती है, ठीक है ना, डेल अपॉन एस होती है, जहाँ पे एस क्या होता है सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है वो समझाने जा रहा हूँ। तो त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समझना जरा इस बात को। BIC का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपने सुना होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार यहाँ पे देखो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है। अरे बोलो, बताया था मैंने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का कॉन्सेप्ट। तो आप ये कह रहे हो कि सर एरिया ऑफ BIC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है a है, इंटू ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज के लिए, ऊंचाई कितनी है त्रिभुज ये वाली, ये वाला त्रिभुज कितना है देखो, ऊंचाई कितना है, आर ही तो है, आर है, प्लस इसी तरीके से 1/2 इंटू आधार, देखो कौन सा सी आई ए, सी आई ए के लिए, सी आई ए कौन सा है, ये वाला है क्या, सी आई ए, सी आई ए ये वाला, तो बी इंटू आर, बी इंटू आर प्लस 1/2 इंटू, इसी प्रकार ये सी इंटू आर, आपको समझ में आ रहा होगा, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आप देखोगे कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समझना जरा इस बात को, ये 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है ही, तो हम बोलो, हम क्या बोलेंगे कि सर 1/2 इंटू, या फिर इसको डेल्टा बोल दो, डेल्टा बोल दो, ठीक है, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल है, डेल का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेल का मतलब सिर्फ क्षेत्रफल है और डरने की आवश्यकता नहीं, डेल्टा क्या है। तो कंडीशन ये है कि सर आप बोलोगे सर ये हो क्या रहा है, कि यहाँ से क्या हो रहा है, R बाई टू कॉमन ले लिया हमने, या फिर R कॉमन ले लो, R कॉमन ले लो, R कॉमन ले लो, तो होगा A बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू। अरे बोल दो यार भाई, R R सब में है, तो R कॉमन लिया तो A बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, डेल्टा बराबर क्या हो गया R। अब समझना जरा ये चीज़ क्या है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि सर हीरोन का जब सूत्र पढ़ा होगा तो S की वैल्यू क्या पढ़ते थे, A प्लस बी प्लस सी बाई टू नहीं पढ़ते थे क्या, यही तो था एस एस माइनस एस माइनस बी। तो ये चीज क्या है, ए बाई टू, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू लिख सकता हूँ, और ये क्या कहलाएगा, ये पूरा एस कहलाएगा, तो डेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर इंटू एस हो जाएगा, डॉट है ध्यान रखना, इंटू है ये देखो डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस हो गया। यहाँ पर अगर आर की वैल्यू अगर पूछता है तो वो कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, आर की वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन एस हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। आर यहाँ पर क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर दिखाई दे रहा है ना आपको, इन सेंटर है, ठीक है। एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, और ये क्या है, एरिया है। मतलब मेरे कहने का ये है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ अभी कुछ देर में, ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, तब तक मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूँ, एक बार देखते रहो आप लोग, तब तक फटाफट मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ, मैं पढ़ता हुआ सुना देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, देख लो जरा कि ये ए आई बी इस तरीके से काम कर रहा है, तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल की बात कही गई है, तीनों जो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो तीन अलग अलग छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल से मिलकर बना हुआ है। हमने सभी को क्षेत्रफल
आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस तरीके से हमने काम किया। हमने देखा कि सर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो डेल्टा में लगा देता हूँ। डेल्टा क्यों स्टैंडर्ड है? आपके हमारे हिसाब से लैंग्वेज नहीं चलती, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा है ना, तो IUPAC नेम होता था, तो इसी तरीके से नाम है। हमने बोला कि सर डेल्टा हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? R(S)। एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है, एग्जाम में आपको क्या दे देगा समझना जरा, एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में आपको बोल देगा कि सर ऐसा करो कि S की वैल्यू जो है, या फिर बोल देगा कि सर दिखाई दे रहा आपको, चलो S लिख देता हूँ, या फिर A बोल देगा 10 सेंटीमीटर, B बोल देगा 20 सेंटीमीटर और C बोल देगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना? समझना जरा, ABC की वैल्यू दे दी उसने, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर में लिख दिया बट देख लेना। और बोलेगा कि सर ऐसा करो कि ये हो गया कंडीशन। अब और क्या बोल सकता है? बोलेगा कि सर R की वैल्यू दे दूं क्या? ABC मैंने दे दिया, चलो छोड़ो इसको, ABC की वैल्यू मत दो, ठीक है, एक बार समझना जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा नाम ही दे देता हूँ। अर्ध परिमाप बोले तो S जो है वो 22 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल जो है वो 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ स्मॉल आर क्या होगा? मैं एक बार सीधा मैंने आपके लिए क्वेश्चन जनरेट किया है, हिसाब से मुझे और भी ABC देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप डरने की आवश्यकता नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा कि सर हम जानते हैं, दिखाई दे रहा होगा, हम जानते हैं कि सर जो आर होता है वो डेल अपॉन एस होता है, और डेल क्या होता है? डेल कितना है? ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना? 88 है, और ये कितना दे रखा है? एस कितना दे रखा है? 22 दे रखा है, तो 22 * 88 कितना हो गया भाई? 4 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत परेशानी होनी चाहिए इस प्रश्न में कि हमने किस तरीके से ABC की वैल्यू निकाली है। कभी कभी विषमबाहु त्रिभुज भी दे देता है, दे करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन वो करवाता है, लेकिन आपको करना यही मेथड है, यही यूज करना है। एग्जाम में आपको ये रट के जाना होता है, और अगर कोई आपसे पूछे, कोई पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई पूछे तो उसका मैंने क्लेरिफिकेशन आपको दे दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को समझा के चलेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये सब चीज़ें पता, आपको 9th-10th में अवेलेबल हैं ये चीज़ें। आप ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने बना दी, नहीं, ऐसा नहीं है, 9th-10th में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों ने चैप्टर छोड़े होंगे, कुछ लोगों ने कलाकारी की होगी, और फिर वो उन्होंने ये सोचा होगा कि सर एग्ज़ाम में तो ये चीज़ें आगे आएंगी नहीं, और वो फिर सिरदर्द बनी पड़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ो जरा, समझना इस चीज़ को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में हालांकि अभी तक आया हुआ नहीं है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट अब मैं सिखाने वाला हूँ एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा बड़े स्तर की बात चल रही है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। समझना जरा इस बात को, ठीक है, बड़े स्तर की थोड़ी बात है। SSC ने नहीं पूछा, बताओ इस चीज़ को अभी तक। ये A है, ये B है और ये C है, समझना इस बात को बहुत ध्यान से। हमने बोला कि सर एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से हमने खींच दिया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये कितना अच्छा, रुको जरा एक बार रुको, मैं पहले इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा ये बताऊँगा तो आप लोगों के लिए सिरदर्द हो जाएगा। समझना जरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सीक्वेंस की बात है। सीक्वेंस अगर मैं चाहूँ तो बता देने को तो बता देता, लेकिन सीक्वेंस वही पूछोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों क्या जवाब दे देता हूँ। समझना जरा, एक ट्राइंगल हमने नाम दे दिया यहाँ पर, ये A है, ये B है और ये C है। समझना इस बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी जो मैंने मिटाया ना उसको समझाने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो थोड़ा सीक्वेंस का फ़र्क पड़ जाएगा। हम कह रहे हैं कि सर एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ पे खींच रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर अगर हम खींच रहे हैं, तो अगर देखो C के सामने क्या होगा, स्मॉल C होगा, B के सामने स्मॉल B होगा, ये बात आपने सुनी और मैंने सुनाई है, बोल दो हाँ। अब कंडीशन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा होता है ना, तो ये जो यहाँ पर यहाँ कोई पॉइंट X है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर ये अल्फा है और ये भी अल्फा अगर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाली जो साइड होती है और ये वाली जो साइड होती है, इसका रेशियो जो होता है वो इसके संगत कौन है, C है, तो ये होगा C,
और ये कितना हो जाएगा बी है, तो ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम कह देंगे कि अगर ये सर 3:2 में है, या फिर मैं कह दूंगा कि सर ये 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो लेंथ है ना, ये वाला सिस्टम, ये क्या होगा, किस अनुपात में, अनुपात रेशियो क्या है। अरे 30 और 40 का रेशियो कितना भाई, 30 और 40 का रेशियो कितना है, आप बोलोगे सर 3:4 है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बात आपको समझनी है। कभी कभी क्या कहता है, जैसे कह देता है कि सर BC की लेंथ, BC जो है 28 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BX और CX, BX CX मतलब ये BX और CX। तो आप कहते हो कि सर ये बताओ मुझे ज़रा कि ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 28 सेंटीमीटर को ये दे रखा होगा 20, 30 और 40, तो आप कहोगे सर 28 को मैं किस तरीके से डिवाइड करूँगा, 3:4 में करूँगा, तो हमारे हिसाब से 7 हो गया। अरे बोलो, ये लाइन डायग्राम पूरा दिया हुआ है, बस सामने ये दे दिया है कि सर ये वाली जो लेंथ है वो कितनी 28 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ कि कितना होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28, 7 की वैल्यू 28, तो 1 बराबर कितना हो गया 28/7 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, 1 बराबर 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 4 गुणा करोगे और इसको गुणा करोगे तो 4×4 कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये BX जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और CX की वैल्यू जो हो जाएगी 4 की वैल्यू कितनी है 16, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी सी बात थी, इसको समझना और समझाना था मुझे, समझ आई बात। हमने क्या किया अभी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सर ये जो एंगल होता है सी और बी, ये वाला जो है साइड्स है जो, वो एंगल बाइसेक्टर अगर है तो इसके संगत क्या है, ये वाला जो सी है वो ये अनुपात जाएगा, और यहाँ पे बी वाला बी के अनुपात में, जैसे 30 और 40 था तो ये 3:4 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो प्रोपोर्शन में आपने सीख रखा होगा, या फिर मैं जब समझाऊंगा या फिर कोई और सर आपको समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, मैं इस चीज़ को क्लेरिफाई करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, फिर अपन क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। समझो जरा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दूंगा कि वाई, ठीक है, रेशियो सेम क्यों रहता है, रेशियो सेम क्यों रहता है, बीसी ही क्यों रहता है, मतलब ये इसके सी है ये बी है, क्यों ऐसा होता है, मैं ये बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना जरा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, ट्राइंगल ये वाला है, हालांकि BPD थ्योरम है, ये BPD का मतलब 9th क्लास 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुना जरा। सर ये A था, ये B था और ये C था, आपने एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे अभी खींचा था एंगल बाइसेक्टर, और ये आपने C बोला था पूरा, ये आपने इसको B बोला था, और आपने इसको पूरा क्या बोला था, A बोला था, ठीक है, ये A बोला था आपने। फिर हमने बोला कि सर एक काम करते हैं, अब हमने ये सुना था ना कि ये सी होता है और ये बी होता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन क्यों होता है इस चीज़ के बारे में मैं अभी बता देता हूँ करना क्या है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए था, इसको आगे बढ़ाओ जरा, समझना जरा, इसको ये वाली लेंथ जितनी है इतनी लेंथ ही हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, समझना इस बात को, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको मिला देंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में करते थे रचना करो, एक वर्ड होता था ना, यूपी वाली पार्टी समझ गई होगी, रचना करते थे और सभी लोग करते थे, यूपी वाली क्यों, यूपी बिहार झारखंड राजस्थान उत्तर जो भी है सभी में क्या है कि इस रचना ही करते थे, तो रचना कैसे करते थे मतलब सिद्ध कैसे करते थे, समझना जरा, ये हो गया, ये बी है तो ये बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने बोला था कि सर इसके लेंथ के बराबर ही आपने खींचा है। अच्छा, अब समझना जरा कि कंडीशन क्या है, अगर मैं कह दूं कि सर ये अल्फा है और ये भी अल्फा होगा क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल बाई सेक्टर हो गया, तो कंडीशन है कि सर कंडीशन क्या हो रही है, ये वाला और ये वाला दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर समझो जरा, ये जेड की आकृति बन रही है कि नहीं, देखो ध्यान से, जेड की आकृति बन रही होगी, कौन सा, देखो ये यहाँ से जेड की आकृति बन रही, मतलब ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, इसका मतलब जितना ये है उतना ही क्या है, ये है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हमने कर रखा है, ठीक है। अब समझना इस बात को कि हमने ए ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये इक्वल हो गया, तो BPD थ्योरम क्या कहती है, समझना जरा इस बात को समझना, ये कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, या फिर मैं ऐसे कह देता हूँ
ये दोनों पैरेलल हैं। तो आपने बोला था कि सर ये ऊपर वाला जो एंगल होता है इसके ऊपर बराबर होता है, तो ये अगर दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर अल्फा है, तो इस लाइन के ऊपर भी क्या होगा? अल्फा होगा। अरे कलाकारों, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आगे बढ़ाता हूँ ना, तो दो लाइनें हैं ना ये, इस लाइन के ऊपर अल्फा है तो इस लाइन के ऊपर भी अल्फा होगा, संगत कोण हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, अब कुछ करना नहीं है, अब आप BPD थ्योरम लगा लो। BPD थ्योरम लगाओगे कैसे? देखो BPD थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सर ये अगर A है, ये B है और ये C है, ये D है और ये E है, तो कहता है कि सर AD अपॉन BD या DB ये X ये है और Y है, तो X बटा Y बराबर ये जो होगा AE अपॉन EC होगा। ये बात ध्यान रखनी, ये बटा ये बराबर ये बटा ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, BPD थ्योरम कैसे लगाओगे? आप बोलोगे सर C बटा B, देखो जरा ये यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला तो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी ना, CB, एक तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये त्रिभुज पूरा दिखाई दे रहा है और एक ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। तो आप कहोगे सर कौन सी लाइन? ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन। तो आप कहोगे इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब काम की चीज़ नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हो इस चीज़ को, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आए। तो क्या बोलोगे सर, बी इसको क्या लूँ, एक्स ले लेता हूँ और इसको X' ले लेता हूँ, ठीक है X' ले लेता हूँ, तो BX अपॉन ये हो जाएगा, D ले लेता हूँ, ABC ये A है इसने, BX अपॉन AX बराबर BX' बटा X' C बोलो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, अभी मैंने बात कही थी, ये देखो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है यार, ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके से नज़र आ रहा है, समझ गए होंगे आप लोग, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये एक्स है, ये X' है, तो यहाँ से लगाओ BPT BX अपॉन XA तो BC XC हो जाएगा। तो हमने बोला कि सर ये नामकरण हमने दे दिया, BX की वैल्यू कितनी है? सी है, BX की वैल्यू कितनी है? सी है, ठीक है, बट्टा AX कितना है? AX कितना है? B है बराबर BX' कितना है? अब BX' समझो जरा, BX' जो होगा, हमने बोला कि सर ये वाली जो लेंथ थी समझना जरा, ये जो लेंथ थी हमने बनाई थी, बनाया था ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल था, तो ये कितना होगा? B था। तो हमने बोला कि सर ऐसा कीजिए कि BC अपॉन B मतलब AX, ये AX किसके बराबर है? XC के बराबर है, XC के भी बराबर है ना, अरे बोलो, ये वाला जो लेंथ है आपने बोला क्या BX अपॉन XA, मैं आपकी तरफ नज़र नहीं दौड़ा रहा, आप देखो ध्यान से, BX अपॉन XA, तो XA जो है वो किसके बराबर है? XC के बराबर नहीं है क्या? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, BX अपॉन AX जो है वो किसके बराबर है? XC के बराबर है, XC बराबर कितना हो जाएगा? BX' अपॉन X' C। तो देखो वही तो कंडीशन हुई कि सर ये कितना है, ये कितना हो गया, इस चीज़ को समझना ज़रा, C बटा B जो होगा वो क्या होगा? BX' बटा X' C, मतलब ये वाला जो रेशियो है और ये वाला जो रेशियो है, इनका वही रेशियो होगा जो इनके संगत होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अगर 3 है और ये अगर 4 है तो ये भी 3 और ये अगर 4 में होगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ज़रा कोशिश करना इस बात को समझने की। अगर आपको देखो, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ को प्रूव करने में, तो आप कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख दिया करो, सॉल्यूशन कर दिया करो, लेकिन मैंने जो समझाया है वो बात आपको समझ में आई कि नहीं, एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप कोशिश करना इस बात को समझने की, इस बार समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या है, ठीक है ना। फटाफट मैं समझाता हूँ, बहुत टाइम नहीं लूँगा। हमने सुना और देखा, जो लोग समझना नहीं चाहते जाता उनके लिए मैं बता दूंगा, अभी ए है, ये बी है और ये सी है। हमने बोला कि सर एंगल वाई सेक्टर अगर खींचते हो ना, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो ये अगर सी है तो ये भी कितना, ये कितना होगा? बी होगा। तो ये वाला जो होगा ये सी होगा और ये कितना होगा? बी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मैंने ये बताया था कि सर क्या करो, इसके बराबर AC के बराबर क्या करो, एक लंबी लाइन और खींच दो
और आप इसको मिला दो, ठीक है ना, कोशिश करना समझने की। तो ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी हो जाएगा। फिर आपने बोला कि सर ये भी अल्फ़ा हो जाएगा और ये जेड की आकृति से अल्फ़ा बनेगा ही बनेगा। आप लगा दो बी पी टी, तो बी सी, देखो बी सी बी ए सॉरी बी ए बी ए अपॉन ए, यहाँ पे कितना लगा दूँ, ए डैस लगा दें क्या, ए डैस लगा देते हैं। तो बी ए अपॉन ए डैस, ए डैस बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई और पॉइंट दे दो, बी डैस दे दो, बी डैस बी बी डैस, ठीक है, बटा बी डैस सी, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये, क्योंकि बी पी टी थ्योरम मैंने अभी सिखाई थी। फिर आप कह रहे हो ए ए डैस जो है वो तो ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। तो देखो कंडीशन हो गई कि सर ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो बी ए जो है ये कितना है, ये सी है, और ए सी कितना है, ए सी कितना है, ये बी है। तो ये जो रेशियो देखो, बी बी डैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सी हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था ये चीज़, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे होल्ड करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा, थ्योरेटिकल था पूरी तरीके से, क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। अगली क्लास में मैं यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।